ओरिजिनल इंडिकेटर है जो कंपनी से आता है, और मैं सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा सीक्वेंशियल वाले। मैं ये प्लास्टिक का टूल यूज़ करूँगा जिससे स्क्रैचेस ना पड़े। पहले ग्लास रिमूव करना होगा। नीचे से तो खुल गया, ऊपर से तो खुल गया। उसके बाद इसमें ये स्क्रू है, एक ये स्क्रू ओपन करना होगा और एक ये एक ऊपर है वो वाला स्क्रू रिमूव करना होगा, तब जाके ये ओपन होगा। इसमें ये TX15 लगेगा, ओपन करते हैं। इसको भाई पॉकेट में रख लो संभाल के, मिलेंगे नहीं अगर एक गए तो। स्क्रू ओपन करने के बाद एक ये दिख रहा है प्लास्टिक का ऊपर, ये वाला ढीला करना होगा और एक ही दो है। अभी एक पिन है, ये एक पिन है, इसको रिलीज कर लेंगे। इसमें ये निकल आया इसका स्टॉक वाला। अब इसमें अपन सीक्वेंशियल बैठा, ये इसका नया वाला आ गया सीक्वेंशियल वाला। तो पहले इसको अपन लग गया, एक बार चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। यस इट्स वर्किंग। स्टॉक वाला मैं दिखा देता हूँ कैसे वर्क। ये स्टॉक है, बैक किया गया, वही देखो प्लास्टिक पार्ट है ना, तो आराम से काम करना, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। Mm.
ये परफेक्टली फिट हो गया है। अब इसको बैठ गया परफेक्ट। मैंने तीनों स्क्रूज बैठा दिए हैं, अभी ये मिरर को इसकी जगह में चलो। मैंने बिठा दिया परफेक्टली, अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, फोल्ड हो रहा है कि नहीं। वर्क कर रहा है एकदम परफेक्ट। वीडियो को यहीं पेंड करते हैं।